नीम करौली बाबा को तो सभी लोग जानते हैं। बाबा का भव्य आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा मोटर मार्ग के किनारे कैची धाम स्थित है। बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। यही वजह है कि बाबा का आशीर्वाद लेने दुनिया भर से लोग कैची धाम पहुंचते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के व्यक्तित्व को और अधिक गहराई से देश विदेश तक पहुंचाने के लिए जल्द ही बायोपिक बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। बायोपिक में बाबा के जन्म स्थान से लेकर उनके जन्म, शिक्षा, वैवाहिक जीवन से लेकर बाबा को सिद्धि प्राप्त होने तक की कहानी दिखाई जाएगी। यह फिल्म अनीशा इंटरनेशनल के बैनर तले बन रही है। कैची धाम पहुंचे फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ ठाकुर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग नैनीताल के कैची धाम, अयोध्या, मथुरा, भोपाल समेत पूरे देश में उन स्थानों में की जाएगी जिन स्थानों से बाबा का विशेष लगाव रहा है। बाबा की पूरी जीवन रेखा पे फिल्म बन रही है, बायोपिक है बाबा की। बस बाबा जी का आशीर्वाद है जो हम कर पा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हर घर में बाबा जी पहुँचे, पूरी दुनिया में पहुँचे, और हिंदुत्व का जो यंगस्टर्स पे है उसमें उनको बढ़ावा दे, और बाबा के जो मैसेजेस है वो हम हर जगह फैले, बस इसी की ये कामना करते हैं, और फिल्म अच्छे से अच्छे बन जाए। और बाबा जी का धन्यवाद है जो हमें मौका मिला उनकी बायोपिक बनाने का। बॉलीवुड अभिनेता मनोज जोशी बाबा नीम करौली महाराज के जीवन पर बन रही फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगे। नीम करौली बाबा जी की जीवनी पर और उनकी जो लीलाएं हैं उस पर आधारित एक फिल्म बन रही है, और उस फिल्म में मैं बाबा जी का रोल निभा रहा हूं। वो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा कि जिसके कारण मैं ये पात्र, ये रोल निभाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और बहुत जल्द ये फिल्म जो है बाबा के ऊपर ये जल्द शुरू होगी, जिसके डायरेक्टर हैं हमारे शरद जी। शरद जी कहाँ हैं, और 3 साल तक उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, और हम तो बाबा जी को भी मिले के नाती जी को बड़ा परस्परी प्रसन्नता हुई। जीवन में बहुत बार यहाँ आने की कोशिश की थी ये धाम में, लेकिन पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। खैर वृंदावन गया हूँ, लेकिन यहाँ पहली बार आया हूँ, और फिर कल मुझे पता चला कि बहुत जल्द ही ये फिल्म शुरू होने वाली है। बस आप बाबा के आशीर्वाद से ये फिल्म भी बहुत अद्भुत बने, और मैं भी मतलब साक्षात स्वयं भगवान हनुमान जी के अंश थे, उनकी लीलाएँ अपरंपार हैं, उनकी हर एक भक्त के पास अपना एक अनुभव है, अपनी एक अनुभूति है। मैं जब से आया हूँ तब से अपने सबके अनुभव सुन रहा हूँ, और बस गदगद हूँ और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।